तो ये राइट में जो बिल्डिंग है ये है STEM मॉल, और यहाँ तक पहुँचने में ही मेरे को 1 घंटा लग चुका है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, एंड यहाँ से और आधा घंटा लगेगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बेंगलोर का एयरपोर्ट बेंगलोर से 30-40 किलोमीटर दूर है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे रहते हो। तो पहले मैं STEM मॉल के पास ही रहता था, तो यहाँ से हाफ एन आवर 45 मिनट्स में पहुँच जाता था ईजीली, बट अभी मेरे को लगता है 1.5 घंटा 2 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी। तो बेंगलोर की आधी जनता तो बेचारी एयरपोर्ट जाने के नाम से ही डर जाती है कि एयरपोर्ट जाना है यार, इतना दूर है। ये STEM मॉल यानी कि ये हेबल में है, तो ये क्रॉस करने के बाद उसके बाद बिल्कुल ट्रैफिक या बिल्कुल टाइम नहीं लगता, फटाफट पहुंच जाते हैं एकदम, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा IT कंपनीज़ और वो सब नहीं है, तो इसमें इतना भीड़ नहीं है इस एरिया में, इतनी मोस्टली रेजिडेंशियल एरिया ही है। बट अभी यहाँ पे भी ग्रो हो रहा है बेंगलोर, तो जैसे कि राइट में देखो PWC का ऑफिस है, अजोर का ऑफिस भी है इधर। ये लेफ़्ट में देखो LNT की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके पीछे रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। आज तो इस फ्लाईओवर पे भी काफ़ी ट्रैफिक सा लग रहा है, तो ऑलरेडी लेट हो गया हूँ मैं फ़्लाइट के लिए, बट फिर भी ट्राई करूँगा जितना हो सके बेंगलोर एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 को कवर करने का ट्राई करते हैं। तो टर्मिनल 2 एक्चुअली लास्ट ईयर ही ओपन हुआ है, 2018 में बनना स्टार्ट हुआ था और 2023 में स्टार्ट हुआ है यहाँ से फ़्लाइट। तो यहाँ से अभी डोमेस्टिक फ़्लाइट ही उड़ते हैं, जैसे कि एयर एशिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एक स्टार कोई तो फ़्लाइट है, तो यही फ़्लाइट यहाँ से उड़ती है। यहाँ से कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं है अभी, तो इसलिए ये वाले एयरपोर्ट पे टर्मिनल पे इतना रश भी नहीं है। और एयरपोर्ट पहुंचने के लिए बेस्ट ऑप्शन तो कैब ही है, बाकी आप बस से भी जा सकते हो। AC बसें चलती हैं टू एंड फ्रो, और सिटी के मेजर पॉइंट्स पे जाती है वो बसेस। और ये देखो जैसे कि आप देख रहे हो राइट में कि मेट्रो का काम इन प्रोग्रेस है, तो मेट्रो भी बनेगी बहुत जल्दी, 1 से 2 साल के अंदर बन जानी चाहिए मेट्रो। उसके बाद थोड़ा और ईजी हो जाएगा एयरपोर्ट पहुँचना। तो अभी चलते हैं, पहुंचते हैं और देखते हैं कैसा है अंदर से टर्मिनल 2। अभी कुछ 2 किलोमीटर और बचा है, और ये लेफ़्ट साइड में बहुत सारे कुरियर सर्विसेज के, DHL, ब्लू डार्ट, इन सब के ऑफिस हैं। और उसके बाद पहले लेफ़्ट में टर्मिनल 1 आता है। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कहीं फ़ॉरेन में, और इस बच्चे का पता नहीं क्या गुम हो गया, क्यों दुखी है ये इतना बेचारा। एविएशन बैंगलोर इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल, ओके, तो ये लेफ़्ट में कार्गो टर्मिनल है, मतलब जहाँ से अपने कुरियर पैकेज ये जो भी चीज़ें जाती हैं वो यहाँ से कार्गो से जाती हैं। इसके बाद आएगा टर्मिनल 1, और टर्मिनल 2 का रास्ता देखते हैं कहाँ से निकाला है, कहाँ से बनाया है। तो टर्मिनल 2 बनाया गया है गार्डन थीम पे, टर्मिनल इन अ गार्डन, बिकॉज़ बेंगलोर एक गार्डन सिटी है या फिर लेक सिटी बोल लो, क्योंकि बेंगलोर में बहुत सारी लेक्स हैं और बहुत सारे पार्क्स हैं बड़े बड़े, तो इसलिए इस एयरपोर्ट की जो थीम रखी गई है वो है गार्डन थीम। तो यहीं से ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है कि एकदम ग्रीनरी, एकदम प्लांट्स, फ्लावर्स बड़े बड़े, और तो वो थीम यहीं से दिख जाती है कि अच्छा आगे जाके ये थीम पे एयरपोर्ट बना है। तो यहाँ से मेरे को हल्का सा दिखा, शायद वही उसका टर्मिनल 2 का कुछ तो दिखा है यहाँ से। कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है ना कि कोई फॉरेन कंट्री में या कहीं एकदम डेवलप कंट्री में आ चुके हैं। ये वाला लेफ़्ट में पुराना टर्मिनल है, और अभी राइट में आएगा द मोस्ट फेमस टर्मिनल 2, द मोस्ट फेमस एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। हाइट में जाके देखते हैं। ये तो गाइस पहुंच गए हैं टर्मिनल 2 पे फाइनली, 1.5 घंटे के ट्रैवल के बाद। पर यहाँ का जो व्यू है, जो यहाँ का नज़ारा, एकदम मैस्मराइजिंग है। ये देखो कैसे ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया है, तो हैंगिंग गार्डन भी बोलते हैं इसको शायद, क्योंकि ये ऊपर जो सीलिंग से लटका के इन्होंने बनाए हैं, इसमें प्लांट्स हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कैसे उसमें इन्होंने इरिगेशन, उसमें पानी कैसे आता है, क्या 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 टेक्नोलॉजी यूज़ की है। और यहाँ पे डिजी यात्रा भी एक्सेप्ट होता है, तो आपके पास अगर डिजी यात्रा ऐप है तो उसका यूज़ करना और आपकी एंट्री एकदम फटाफट हो जाएगी। यहाँ से अभी बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स भी नहीं उड़ती हैं, तो इसलिए थोड़ा एकदम खाली खाली सा है ये। देखो यार, तो ये है हैंगिंग गार्डन, टर्मिनल इन द गार्डन। तो यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी है कि जैसे ऊपर देखो कि कोई भी लाइट नहीं है ऑन, क्योंकि ये नेचुरल लाइट का यूज़ कर रखा है। और एक ट्रांसपेरेंट टाइप की सीलिंग बना रखी है ग्लास यूज़ करके, ताकि दिन के टाइम में जो भी लाइट है उसका डायरेक्ट यूज़ कर ले और एनर्जी को बचा सके। तो इट्स अ वेरी सस्टेनेबल काइंड ऑफ एयरपोर्ट। तो जस्ट मैंने अभी सिक्योरिटी क्लियरेंस किया है और उसके बाद आते हैं इधर। ये देखो यार, ये गली कितनी मस्त बनाई है। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी मेरे को नहीं लगता दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे है। और अंदर देखते हैं क्या क्या शॉप्स हैं, खाने पीने के क्या ऑप्शन। तो यहाँ पे कनाडा वालों का फेवरेट टिम हॉर्टन्स भी खुल चुका है। कनाडा वाले कमेंट कर दो यार, टिम हॉर्टन्स के फैंस। मैं तो दूर से ही देख के खुश हूँ। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अभी लग रहा है ज़्यादा इधर शॉप्स नहीं आई हैं, पर आई हैं जो भी अच्छे अच्छे शॉप्स आए हैं, जैसे कि ये स्वरोस्की। अच्छा हुआ आज अकेला आया हूँ, वरना ये शॉपिंग मॉल है तो एक, अगर मेरी वाइफ साथ में आती तो ये शॉपिंग मॉल में खर्चे और बढ़ जाते। हार्ड रॉक कैफ़े भी है इधर, अगर किसी को चिल करना हो बैठ के। तो फाइनली यार आ गया हूँ मैं गेट के पास। और इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश अपने एक फ्रेंड की शादी में, तो उसका भी व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है। और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कर दो।